क्या मेकर्स लवकेश के गेम को खराब करना चाह रहे हैं? क्या मेकर्स विशाल और लवकेश की दोस्ती को तोड़ना चाह रहे हैं? मतलब यहाँ अगर कोई गेम अच्छा खेले तो उसके पीछे पड़ जाओ और तब तक पीछे पड़े रहो जब तक उसका गेम खराब ना हो। आपको याद होगा पिछले साल भी कई कंटेस्टेंट के साथ बिग बॉस ने ऐसा ही किया था और एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मेकर्स ने एक बड़ी साजिश चली है और यहाँ दोस्ती तोड़ने की कोशिश की है। तो यहाँ मेकर्स ने कल लवकेश को जो है मैसेज भेजा बाहर वाले को। देखिए मैसेज क्या है, आई वॉन्ट टू आस्क एवरी वन, बाहर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हु आर सपोर्टिंग विशाल, वट वुड यू हैव डन इफ समवन इज आइंग यूर मदर सिस्टर वाइफ और डॉटर, ही हैज मेड सच कमेंट्स नॉट ओनली वंस, अरमान डिड वट एवरी मैन शुड डू फॉर अ फीमेल ऑफ हिज फैमिली। तो ये एक बाहर का मैसेज दिया। दूसरा दिया लवकेश कटारिया इज प्लेइंग सेफ एंड ही इज डूइंग कॉपी पेस्ट ऑफ एल्विश यादव। एक और मैसेज दिया, कटारिया विशाल की दोस्ती डिजर्व नहीं करता। ये सारे मैसेज जो है बिग बॉस ने कल यहाँ पर लवकेश के पास पहुंचाए बतौर बाहर वाला। और यहाँ देखिए इसका क्या मतलब हुआ, पहला तो कि डिजर्व नहीं करता, अरमान ने जो किया ठीक किया, बाहर वाला भी यही करता, यानी कि अरमान को लवकेश और सपोर्ट करे। तो बाहर की इन्फॉर्मेशन यहाँ लवकेश तक जो पहुंचाई जा रही है और जिस तरीके से, देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन और भी तरीके से हो सकती थी जहाँ इसके बॉन्ड को अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन नहीं। और यहाँ बार बार लवकेश के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि वो एल्विश यादव का कॉपी पेस्ट है, तो उसके गेम को पूरी तरह इन्फ्लुएंस, पहला विशाल की दोस्ती, अरमान ने जो किया ठीक किया, लवकेश जो है डिजर्व नहीं करता और एल्विश को वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। मतलब आप उसकी पूरी बैंड बजा दो, हथकड़ी पहना दो और उसको बाहर के बहुत ही सिलेक्टिव मैसेजेस ऐसे पहुंचाओ जिसके बाद वो कंफ्यूज हो जाए कि मुझे करना क्या है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ सिलेक्टिवली खाली कुछ ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मेकर्स का ये फैसला कितना सही है और कितना गलत?